किसी ने बड़ी गाड़ी ले ली, ईर्ष्या, किसी का बड़ा घर हो गया, ईर्ष्या, किसी का बच्चा तुम्हारे बच्चे से ज्यादा मार्क्स ले आया, ईर्ष्या। और ईर्ष्या ही आरंभ बिंदु है, उसी ईर्ष्या के आरंभ बिंदु पर अब नफरत आती है, घृणा आती है और द्वेष आता है। पहले तुम इस प्रश्न को समझ लो ठीक से, क्या आपके जीवन में ऐसा है? आपके जीवन में बहुत कॉम्पिटिटिवनेस है, कॉम्पिटिशन। आप कहोगे प्रभु कॉम्पिटिशन तो होना ही चाहिए ना, आज दुनिया ऐसी है, अगर हम कॉम्पीट नहीं करेंगे तो हम पीछे रह जाएंगे। तुम लोग इसको हेल्दी कॉम्पिटिशन कहते हो, जेलसी को, हाँ कि नहीं? ये कॉर्पोरेट वर्ड वाले पुनीत प्रभु आप हंस रहे हैं, आप लोग इसको क्या कहते हैं? हेल्दी कॉम्पिटिशन। लेकिन हेल्दी कॉम्पिटिशन नाम का कोई शब्द मेरे डिक्शनरी में एग्जिस्ट ही नहीं करता। हेल्दी कॉम्पिटिशन को इक्विवेलेंट मैं तो कहूंगी इंस्पिरेशन, फिर उसको इंस्पिरेशन बोलो, मोटिवेशन बोलो। कॉम्पिटिशन वर्ड के अंदर ही ईर्ष्या का भाव है। मैं तो कितने घरों में देखा है, घर घर में कॉम्पिटिशन है, भाई भाई के साथ कॉम्पिटिशन है। अरे भाई भाई तो एक दूसरे के पूरक होने चाहिए, पति पत्नी तो एक दूसरे के पूरक होने चाहिए, लेकिन पत्नी होड़ में लगी है तुमसे ज्यादा कमा के दिखाऊंगी, पति होड़ में लगा है तुम सब मेरे ऊपर निर्भर हो, क्या है ये? हिंसा वृत्ति है। और जरा तुम अध्यात्म में कदम रखो तो सबसे पहला सूत्र हर परमात्मा, हर तीर्थंकर, हर महापुरुष ने यही दिया है, अहिंसक भाव में प्रवेश करो। अहिंसा प्रतिष्ठाया तत्सन्निधो वैरत्याग, अहिंसा प्रतिष्ठाया अहिंसा प्रतिष्ठाया। संस्कृत का थोड़ा बहुत भी बोध हो तो यह सूत्र कहता है जो अहिंसा में प्रतिष्ठित है, यानी जो स्वयं अहिंसक हो चुका है, उसके आसपास आने से वैर त्याग, तुम्हारे वैर का त्याग हो जाता है। किस तरफ इशारा है? सदगुरु खोज ऐसे ही नहीं बोला, देखो पतंजलि भी वही इशारा दे रहे हैं। ईर्ष्या मुक्ति का पहला पहला एहसास तुम्हें सदगुरु के इस मैग्नेटिक ऑरा के अंदर आता है। इसलिए हर सूत्र में उन्होंने प्रतिष्ठायाम प्रतिष्ठायाम प्रतिष्ठायाम, यानी जो उसमें प्रतिष्ठित है उसका समागम कर, और परिणाम क्या दे रहे हैं उसका? वैर का त्याग हो जाएगा। वैर इज द हाईएस्ट थिंग, और अगर वैर का त्याग हो तो नफरत का त्याग, घृणा का त्याग, हेट्रेड का त्याग, उसका त्याग हो तो ईर्ष्या का त्याग। संप्रदाय अहिंसा की बहुत ही बचकानी व्याख्याएं करते हैं, चाइल्डिश, बचकानी। अहिंसा यानी चींटी को ना मारना, मकौड़े को ना मारना, पानी छान कर पीना। लेकिन इतनी बचकानी बात भगवान नहीं कह सकते, ना भगवान बुद्ध, ना महावीर, ना कृष्ण और ना पतंजलि इतनी बचकानी बात नहीं कर सकते। ठीक है, दैट इज अ पार्ट ऑफ अहिंसा एंड इट कम्स ऑन इट्स ओन, लेकिन वास्तव में अहिंसा क्या है? आप इतनी ईर्ष्या से भरे हो इसका मतलब ही आप हिंसा से भरे हो, ये बात तो क्लियर हो गई। अब इस हिंसा से आजाद होना है तो उसके लिए अहिंसा साधना क्या है? मैंने हर एक के लिए पॉइंट्स लिखे हैं। अहिंसा तुम्हें साधनी कैसे है? अहिंसा साधना का पहला सूत्र है शरीर के स्तर पर किसी को सताना नहीं, मारना नहीं। बहुत बार कहती हूं मैं, आज भी वही बात कह रही हूं, शारीरिक स्तर पर किसी को सताना नहीं, किसी को मारना नहीं, यानी कीड़ी मकौड़े नहीं मारना, यानी पानी छान कर पीना, ये जितनी भी शारीरिक स्तर की क्रिया है ये सब अहिंसा की आरंभिक साधना है।
और सताना भी नहीं, मारना नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन तुम किसी को सतत सता रहे हो, ताने मार के सता रहे हो, बुरा भला बोर के सता रहे हो, तो वो सताना भी नहीं। ये शारीरिक स्तर की अहिंसा की साधना है। देखो हमें परिणाम क्या चाहिए, ईर्ष्या मुक्त होना और फाइनली वैर मुक्त होना, द्वेष मुक्त होना। और ये दो ही कारण है ना, राग और द्वेष, उसमें से द्वेष मुक्ति यहां पर बता रहे हैं कि कैसे होगी। दूसरा, मन के स्तर पर किसी के प्रति भी दुर्भावना नहीं होना। दुर्भावना जो हो रही है वो उनके उन रोल्स के प्रति हो रही है, isn't it? लेकिन सोल के स्तर पर मैंने क्या कहा, हम सब परमात्मा स्वरूप है, हमारा मूल अस्तित्व परमात्मा स्वरूप ही है। तो मन के स्तर पर किसी के प्रति भी दुर्भावना नहीं। ये जो दुर्भावना है ना, यही ईर्ष्या बना देती है। तुम्हारी दुर्भावना है, इसके जीवन में तो ना कभी कुछ अच्छा होना ही नहीं चाहिए। तुम्हारी दुर्भावना है किसी के प्रति, तुम्हें नफरत है उससे, इसलिए तुम्हें लगता है इसके जीवन में तो कुछ अच्छा होना ही नहीं चाहिए, काश इसके साथ बिजनेस में लॉस हो, लेकिन उस व्यक्ति को बिजनेस लॉस नहीं होता, उसको बिजनेस प्रॉफिट हो रहा है, तुम्हें सतत उसके जीवन में प्रॉफिट 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 दिख रहा है। अब तुम उसके प्रति ईर्ष्या में जाओगे, हाँ ईर्ष्या में जाओगे, धीरे धीरे वैर में जाओगे, द्वेष में जाओगे। मूल कांटा हिंसा की इस भाव के अंदर छुपा हुआ है। तो मन के स्तर पर सभी के प्रति कैसा भाव, सद्भावना, दुर्भावना का भाव। दुर्भावना आती भी है तो उसको रोको, और कैसे रोकना है आज मैं ये भी सिखाऊंगी तुम्हें। तीसरा, बुद्धि के स्तर पर किसी के प्रति द्वेष भाव नहीं। बुद्धि को बहुत सत्संग चाहिए, लॉट्स एंड लॉट्स एंड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ सत्संग। जब तक खूब सत्संग नहीं आ जाते ना, तब तक तुम्हारे बुद्धि के अंदर ये द्वेष भाव रहित पना भी नहीं आता। क्योंकि कहा ना कि किसी अहिंसा में स्थिर व्यक्ति के समागम में आ, जो अहिंसा की प्रतिष्ठा में है, तो उस अहिंसा की प्रतिष्ठा वाले व्यक्ति के पास आएगा ना, तो तेरा वैर भाव, ईर्ष्या भाव त्याग होता जाएगा। तुम्हें क्या किसी महावीर या बुद्ध के प्रति ईर्ष्या होती है कभी? ईर्ष्या, यार तुम तो निकल लिए अपना आराम से, हमें छोड़ दिया भवन के अंदर, ईर्ष्या नहीं होती तुम्हें? कभी कभी होती है, नहीं? क्या हाई प्रॉफिट रेट होंगे तुम लोगों के, और हम लोगों को तो बताओ क्या क्या है। तुम्हें अंबानी से ईर्ष्या हो सकती है, लेकिन तुम्हें महावीर से या बुद्ध से ईर्ष्या नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि वो अहिंसक है, वो अहिंसक है, और वो अहिंसा के साथ एक ऐसा मैग्नेटिक ऑरा बनता है कि उस ऑरा में जो कोई विचार से भी आए, विचार मात्र से भी तुम महावीर या बुद्ध के मैग्नेटिक ऑरा में आओगे, तो तुम्हारा वैर त्याग अपने आप हो जाएगा। बहुत गंभीर सूत्र है, इसलिए पतंजलि के इन 5 सूत्रों पर कल मेरा बहुत चिंतन चला। कहा तो मैंने अवनीश तुम्हें यही था ना, 10 सूत्र कर लेंगे, आगे फटाफट भगाना इसको। लेकिन जब मैं भक्ति टीम से मिलने के बाद अपने रूम में अपने चेयर पर बैठी, तो आई वॉज रिपीटेडली गेटिंग दिस मैसेज कि नहीं, उन सूत्रों के अंदर और गहराई से प्रवेश करो। अहिंसा आदि 5 सूत्रों को बहुत बार समझा चुकी हूँ, नाउ दिस इज गोइंग डीपर इनटू इट। तो शरीर के स्तर पर किसी को सताना नहीं, किसी को मारना पीटना नहीं, ये स्थूल अहिंसा। मन के स्तर पर दुर्भावना नहीं रखना, और बुद्धि के स्तर पर बहुत सत्संग चाहिए और बहुत सत्पुरुष का समागम चाहिए, जिसमें तुम द्वेष मुक्त वैर मुक्त होने लगो। ये 2 घंटे भी तुम जो मेरे समागम में होते हो ना, एक बुद्ध के समागम में आ जाने मात्र से आप देखते हो ना, धीरे धीरे यहां बैठकर थोड़ी देर के लिए तो वैर त्याग, ईर्ष्या त्याग, द्वेष त्याग, नफरत त्याग, सब कुछ ऑटो प्रोसेस में चला जाता है। और यही ग्रूविंग एक बार तुम्हारे ब्रेन में हो गई, तुम्हारे न्यूरॉन्स में हो गई ये ग्रूविंग, तो उसी के आधार पर तुम अपने व्यवहारिक जीवन में भी इसका परिणाम पाते हो। अहिंसा साधना में 4th पॉइंट, और वैसे हर एक में मैंने अंतिम पॉइंट लिखा है, ध्यान साधना। तुम्हारे जीवन में ध्यान साधना का प्रवेश हो। मैंने यहां जानबूझकर स्वराज क्रिया नहीं लिखा,
क्योंकि बहुत हजारों लोग सुनते हैं, उतने लोग स्वराज क्रिया तक नहीं पहुंच पाते। कोई बात नहीं, तुम ध्यान साधना तक भी पहुंचो, क्योंकि ध्यान साधना के अंदर भी कोई एक ऐसी शक्ति है जो तुम्हें तुम्हारे इन विकारी विचारों से मुक्त कर सकती है, आजाद कर सकती है। ये शक्ति क्या है? विज्ञान में एक प्रिंसिपल है, क्वांटम जीनो इफेक्ट, ZENO। जो विज्ञान को ज्यादा पढ़ना चाहते हैं वो जाके गूगल पर सर्च कर लेना इस बात को। लेकिन जीनो इफेक्ट क्या कहता है, क्योंकि अब हम क्वांटम फील्ड की बातें करते हैं, तो जीनो इफेक्ट कहता क्या है? बड़ा इंटरेस्टिंग इफेक्ट है, और उसका मूल प्रिंसिपल ये है कि जब भी हम किसी चीज को देखते हैं तो उसका विकास अटक जाता है। जब भी हम किसी चीज को देखते हैं तो उसका विकास अटक जाता है। बड़ा सुंदर सिद्धांत है। फॉर एग्जाम्पल, तुमने पानी की ट्रे भरी फ्रीजर में रखने के लिए, बर्फ बनाने के लिए। बर्फ बनाने के लिए तुमने पानी की ट्रे को फ्रीजर में रखा, अब हर थोड़ी थोड़ी देर में खोल के देखो देखो देखो, उसका विकास अटक जाएगा। जो हमारे फ्रिज में वो 30 मिनट्स में आइस में कन्वर्ट होने वाली थी, वो न जाने 2 घंटे 4 घंटे कुछ भी ले सकता है, और इतनी देर में तुम्हारा विश्वास पानी पर से भी उठ जाएगा और रेफ्रिजरेटर से भी उठ जाएगा। बिकॉज यू आर एक्सपेक्टिंग कि जब फ्रिज खरीदा था तो उन्होंने बताया था कि 30 मिनट में बर्फ बनती है, और ये तो बन नहीं रही। क्यों नहीं बन रही? क्योंकि जीनो इफेक्ट ये कहता है जब भी हम किसी चीज को बार बार देखते हैं तो उसकी फ्रीक्वेंसी वहीं अटक जाती है। तो जब भी तुम हिंसा के भाव में हो, यानी ईर्ष्या के भाव में, आज तुम्हारी भाषा में मैं यही कहूंगी, आप जब भी ईर्ष्या के भाव में है, नफरत के भाव में है, देखना शुरू कर दो। किसको? अपनी श्वास को। विपश्यना पूरी पूरी इसी सूत्र पर है कि बस देखो देखो देखो, और देखोगे किसको? श्वास को। जब आप अपनी श्वास को देखना शुरू कर दोगे तो उसका परिणाम क्या होगा कि जो ईर्ष्या की थॉट फ्रीक्वेंसी है वो ईर्ष्या पर ही अटक जाएगी, नफरत या वैर या द्वेष तक जा ही नहीं पाएगी। इंपॉर्टेंट सूत्र है, बहुत महत्वपूर्ण है। जीनो इफेक्ट यहां तक ही बात करता है, लेकिन फिर एक दूसरा है जो गूगल पर नहीं मिलेगा, स्वराज क्रिया इफेक्ट, वो दूसरी बात करता है। जीनो इफेक्ट कहता है आप किसी को देखो तो वो थॉट फ्रीक्वेंसी वहीं अटक जाएगी, उसका विकास नहीं होता, वो अपने नेक्स्ट डीजेनरेटिव लेवल तक नहीं जाती है। स्वराज क्रिया क्या कहती है? ठीक है, उसका वो खराब लेवल पर नहीं जा रही, यानी ईर्ष्या नफरत द्वेष या वैर नहीं बन रही, लेकिन हमें तो ईर्ष्या को प्रेम में कन्वर्ट करना है, isn't it? वो वैर में कन्वर्ट नहीं हो रही, गुड एनफ, हम बच गए, लेकिन प्रेम में कन्वर्ट करना है, तो दिस इज डन थ्रू स्वराज क्रिया इफेक्ट। सो वी हैव टू इफेक्ट्स टुडे। ध्यान साधना क्या करती है? तुम्हारी चित्तवृत्ति को अधिक गंदा होने से अटकाती है। जब तुम श्वास देखते हो, सबसे आसान तरीका है, क्योंकि तुम बार बार स्वराज क्रिया करने नहीं बैठ पाओगे, एक ही बार करनी है दिन में, और कितनों के पास तो स्वराज क्रिया है भी नहीं, उनको आज से मैं मोटिवेट कर रही हूं कि 10 मिनट भी दिन में ये नियम ले लिया ना कि श्वासोश्वास को देखना है, फूलते सिकुड़ते पेट को देखना है, तो एटलीस्ट दे हैव स्टार्टेड देयर जर्नी कि उनका ईर्ष्या का जो भाव है वो सबसे गाढ़ा चिकना वैर के भाव तक कभी भी नहीं जाएगा। लेकिन अब उसको प्रेम में कन्वर्ट करना है, ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन करना है, उसके लिए हमें वापस कोई यौगिक क्रिया चाहिए जो स्वराज क्रिया के माध्यम से होगी। सो जब तुम अपने दैनिक जीवन में किसी को सताते नहीं हो, मारते नहीं हो, दुर्भावना नहीं रखते, व्हाट यू आर डूइंग एक्चुअली, यू नो, अब थोड़ी थोड़ी करके ना लव एनर्जीज को बंडल अप कर रहे हो, इज़न्ट इट? प्रेम की ऊर्जा को थोड़ा थोड़ा बंडल अप कर रहे हो।
इतना इतना बंडल अप हो जाएगी, घर पे रहते रहते ऑफिस में रहते रहते तुम किसी को सता नहीं रहे हो, किसी को मार नहीं रहे, किसी के लिए कोई दुर्भावना नहीं रख रहे, थोड़ा थोड़ा करके आपके भीतर रही लव एनर्जीज बंडल अप होती है। और इसी लव एनर्जीज के साथ जब आप अपने जीवन की विषम परिस्थितियों का भी सामना करते हो तो वहां कोई भय नहीं है, कोई वैर नहीं है, कोई द्वेष नहीं है। इस स्थिति को कहते हैं कि तुम अहिंसा में प्रतिष्ठित हुए हैं। परिणाम क्या है? हमारे भीतर से वैर भाव का त्याग होता है। तुम जैसे जैसे अहिंसक बनोगे, और चार ही बातें मैंने लिखी ना, शरीर के स्तर पे सताना नहीं, मारना नहीं, मन के स्तर पे दुर्भावना नहीं, और तीसरा बुद्धि के स्तर पर द्वेष नहीं। बहुत सत्संग चाहिए, लेकिन इसी सत्संग में एक और चौथी प्रेरणा, ध्यान साधना का प्रयोग शुरू कर दो, देखना शुरू कर दो। जो बहुत ईर्ष्या का भाव आ रहा है, बहुत वैर का भाव आ रहा है, देखो देखो उसकी फर्दर डिटेरियरेशन नहीं होगी, उसका बुरा उससे ज्यादा बुरा ह्रास नहीं होगा। फायदा क्या हो रहा है? हमारे भीतर से वैर भाव का त्याग होता है। नंबर टू, दूसरे भी हमसे सुरक्षा का अनुभव करते हैं। बहुत बड़ी बात है, दूसरे भी हमसे सुरक्षा का अनुभव करते हैं। इनफैक्ट कितनी बार तुमने सुना होगा कि समोशरण में या भगवान बुद्ध के पास सिंह और बकरी भी साथ में आके बैठे होते थे। कितने ही मुनियों के आश्रम के अंदर सांप और नेवला साथ में रहते हैं, सिंह और बकरी सेम घाट पर पानी पीते हैं, गाय भी होती है, सिंह भी है, बकरी भी है। तुम इमेजिन करो क्यों है? क्योंकि जो ऑरा है ना, उसके अंदर ही वैर त्याग है। वैर त्याग। कृपाणु देव ईडर के पहाड़ पर बैठे और पीछे ही शेर है, देखा है ना पिक्चर में, पीछे ही बाघ है, लेकिन वैर भाव का त्याग है उस ऑरा के अंदर। कृपाणु खुद ही ऐसी दशा में बैठे हैं जब पूर्ण अहिंसक है, और उस अहिंसा के कारण उस पूरे ऑरा के अंदर से वैर भाव का त्याग आ जाता है। वैर नहीं है इसलिए भय भी नहीं है, और इसलिए मुनियों को कह देते हैं हमें पता है पीछे बाघ बैठा है, लेकिन तुम सब निश्चिंत रहना क्योंकि मेरा अहिंसक ऑरा इतना तेज है कि वैर उस बाघ के मन में भी उत्पन्न नहीं हो सकता। ये है अहिंसा।